ठीक है सर। स्टार्ट करनी मिस प्रियंका रखी हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों।
वालेकुम अस्सलाम सर। जी, वालेकुम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई? सर, हमने बोलना ना, इंट्रोड्यूसर शीट के बारे में बोलना। पढ़ा था। सबर 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 सबर, मैं पूछता हूँ, रुको। जी आमिर ताहिर, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में बेटे? आमिर ताहिर, लास्ट टाइम बुला रहा हूँ, नेम कॉल कर रहा हूँ, आमिर ताहिर। अस्सलामुअलैकुम सर, सर वालेकुम सलाम आपने मेरा नेम कॉल किया। सर बेटे, आमिर ताहिर मेल बॉय को बुला रहा हूँ। आमिर ताहिर, यू आर एब्सेंट इन टुडेज क्लास। काशिफ, जी सर, बेटे बताएं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सर इंट्रोड्यूसर शीट पढ़ा था। क्या उसके बारे में पढ़ा था बेटा, एक्सप्लेन तो करें थोड़ा। सर इंट्रोड्यूसर शीट में इसलिए पढ़ा था, ये इंट्रोड्यूसर शीट सर एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसको ब्लड वेसल में वो करते हैं इंट्रोड्यूस गाइड वायर के ऊपर सर, उसको वो मतलब कवर करके उसको उसको ब्लड वेसल में सर वो इंसर्ट करते हैं। उसके बाद सर इंट्रोड्यूसर, ठीक है बेटे, ओके, थैंक यू। मुशाहिद, मुशाहिद रहीम, मुशाहिद रहीम, मुशाहिद रहीम, यू आर ऑल्सो एब्सेंट टुडे मुशाहिद। अरसलान, यस सर। बेटा जी मुझे बताएं, इंट्रोड्यूसर शीट जो है वो हम यूज क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? यस सर। इंट्रोड्यूसर शीट का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? सर एक तो ये इसलिए बनाया गया कि हमने जो इंसर्ट, बेटे आवाज नहीं आ रही आपकी। अथर, जी सर, बेटे मुझे बताओ कि क्यों यूज करते हैं इंट्रोड्यूसर शीट? सर स्मूथ ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं। और सर ये मतलब के लॉन्ग और ग्रेजुअल यूज के लिए हम यूज करते हैं, और ताकि वो वेसल को प्रॉब्लम ना हो मतलब इंसर्शन के वक्त, क्योंकि कैथेटर के आगे से वो पॉइंटी होता है इसलिए, और लिंक रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए, और डिवर्सिटी। ठीक है, अल्लाह नवाज, अल्लाह नवाज, यस सर, करके मुझे बताओ कि हम गाइड वायर जो है वो अंदर ही रहने देते हैं शीत के? सर वो अंदर मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं शीत के थ्रू।
तो फिर उसके बाद जब हम शीट निकालते हैं, पहले गाइड वाइड निकालते हैं और उसके साथ लास्ट में फिर वो शीट भी निकाल लेते हैं हम लोग, इंट्रोड्यूसर शीट। बेटे गाइड वायर कब निकालते हैं और शीट कब निकालते हैं मुझे आप ये बता सकते हैं? सर वो शीट रहने देते हैं, पहले पहले गाइड वायर निकालते हैं फिर लास्ट में सर वो शीट निकालते हैं, क्योंकि उसके थ्रू ही हम पास कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो लोग आज रह गए हैं उनका नेक्स्ट लेक्चर में उनसे सुना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इंदा, ठीक है, लड़कियां भी और लड़के भी। एक बंदा तो आज एब्सेंट हो गया, आमिर ताहिर, ठीक है, इस तरह एब्सेंट हो जाओगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था कि हम हीमोस्टेसिस अचीव करते हैं, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे हीमोस्टेसिस अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले वो होता है कि कंप्रेशन डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, कंप्रेशन दे के आपकी जो फेमरल आर्टरी जहाँ से हमने वास्कुलर असेस ली होती है वहाँ पे मैनुअल प्रेशर दे के या फिर डिवाइस यूज करके हम क्या नाम है हीमोस्टेसिस अचीव करते हैं। वो कहते हैं मैनुअल कंप्रेशन अप टू 15 to 30 मिनट्स टू ऑब्टेन हीमोस्टेसिस इन कंसिस्टेंट प्रेशर सर ड्यू टू स्लाइड्स हैंड। नहीं शो हो रही। स्लाइड्स नहीं शो हो रही। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, ये लो जी, हो गई शो, ठीक है। वो कहता है कि मैनुअल कंप्रेशन जो हम 15 to 30 मिनट्स तक यूज करते हैं, लेकिन मैनुअल कंप्रेशन के अंदर हमें ये थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है कि या कभी हमारा हाथ थोड़ा प्रेशर कम हम लगा रहे होते हैं, कभी ज्यादा लगा रहे होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये होता है कि जब आप हाथ से कंप्रेशन दे रहे होते हैं तो आपका हाथ थक भी जाता है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी जो वहाँ पे क्या कहते हैं जो वेसल के एंड पे ना वो क्या कहते हैं हीमाटोमा सा क्रिएट हो जाएगा बाहर वाली साइड पर, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए कि वेसल, ताकि वहाँ से ओक्लूड ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करके तो वहाँ से वेसल क्लोज हो बट ओक्लूड ना हो, ठीक है। हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फेमोस्टॉप। फेमोस्टॉप इज एन ऑल्टरनेटिव टू मैनुअल कंप्रेशन फॉर हीमोस्टेसिस मैनेजमेंट ऑफ द फेमोरल आर्टरी और वेन आफ्टर पंक्चर। इट हैज एन इन्फ्लेटेबल ट्रांसपेरेंट बल्ब विच अलाउज क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द पंक्चर साइट। इट ऑल्सो अलाउज हैंड फ्री ऑपरेशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। मैनुअल कंप्रेशन जब हम नहीं यूज करते तो हम उसकी जगह एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं फेमोस्टॉप, ठीक है। फेमोस्टॉप के अंदर वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर एक इन्फ्लेटेबल ट्रांसपेरेंट बल्ब, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट सा उसके अंदर एक डोम टाइप चीज लगी होती है, ठीक है, इनका बलून टाइप की चीज होती है जिसको आप अपनी पंक्चर साइट के ऊपर रखते हो, ठीक है, और वहां पर उसको टाई अप करके तो आप उसको इन्फ्लेट करते हो जिससे वो प्रेशर अप्लाई करती है आपकी पंक्चर साइट पे, और वहां पे क्या नाम है ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हीमोस्टेसिस अचीव हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्च विद ज्योमेटिक प्रेशर डोम, ठीक है, ये एक आर्च की शक्ल में होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रेशर डोम लगा होता है जिसको मैं बलून की एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। एक कनेक्टिंग ट्यूबिंग होती है, एक टू वे स्टॉप कॉक होता है, ए बेल्ट एंड ए फेमोस्टॉप पंप फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है आपकी फेमोस्टॉप डिवाइस, ठीक है। ये है आपका प्रेशर डोम, ठीक है, ये आपका इन्फ्लेशन पंप, ठीक है, ये आपका मीटर, ये आपकी कनेक्शन ट्यूबिंग, ठीक है, और ये साइड्स पे ये जो जा रही है बेल्ट, ठीक हो गया, ये उसने आपको लेबल करके दिखाई फेमोस्टॉप डिवाइस, ठीक है। कंप्रेशन आर्च, न्यूमेटिक डोम, ठीक है, पिंच क्लैम, ठीक है, इंटेग्रेटेड मैनोमीटर, और ये क्या नाम है आपका बैटरी टैब, यानी कि वो आपका इन्फ्लेशन डिवाइस, और ये आपकी बेल्ट, ठीक है। फेमोस्टॉप की समझ आ गई? यस सर। उसके बाद वो कहता है मैनुअल कंप्रेशन, मैनुअल कंप्रेशन रिमेंस अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज, ठीक है, अब मैनुअल कंप्रेशन वो क्या है कहता है कि वो एक फंडामेंटल कंपोनेंट रहता है आपके वास्कुलर असेस को जब हमने हीमोस्टेसिस अचीव करना होता है तब, क्यों, उसकी रीजन क्या, वो कहता है इट्स लोएस्ट कॉस्ट, गुड सेफ्टी प्रोफाइल, कॉम्प्लिकेशन रेट 0.23%, फॉलोइंग डायग्नोस्टिक कैथेटराइजेशन, शॉर्ट लर्निंग टाइम एंड एबिलिटी टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है। जो आपकी मैनुअल कंप्रेशन है जाहिर सी बात है एक सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सी बात है कि जी ऐसे फिंगर्स रखो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो तो वहाँ पे ब्लड फ्लो रुकेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आपको क्या नाम है ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाएगी, वहाँ पे क्लोजर हो जाएगा, कोलेजन आके वहाँ पे मैश क्रिएट करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से आपकी वेसल उस जगह से जहाँ पे आपने पंक्चर किया था वहाँ से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो एक इजी प्रोसीजर है,
इसके ऊपर क्या कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, आपने मैनुअली हाथ से अप्लाई करना होता है। इसकी सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा, क्योंकि आप बाहर से कोई डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, कोई आप चीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। लर्निंग टाइम शॉर्ट है, क्यों शॉर्ट है, क्योंकि क्या नाम है, आप किसी को भी अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही कोई आपको सामने खड़ा करके कोई बात बताए तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। एंड एबिलिटी टू बी एम्प्लॉयड, और ये इजीली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, खुद भी आफ्टर सीइंग इट और लर्निंग इट वंस और ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन वो कहता है लेंथ ऑफ टाइम नीडेड बिफोर एम्बुलेशन, ठीक है। जो आपकी मैनुअल कंप्रेशन है ये ज़रा लॉन्ग होती है, टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैनुअली आप हाथ से वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो तो कभी ज़्यादा कर रहे हो तो कभी कम कर रहे होते हो, ठीक है। तो आप ज़्यादा जल्दी जो है हीमोस्टेसिस अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको काफ़ी देर तक ऑन बेड स्टे करना पड़ता है। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन टाइम, ठीक है, जाहिर सी बात है जितना लेट आपकी हीमोस्टेसिस अचीव होगा उसके बाद आप पेशेंट को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखोगे कि यार दोबारा तो कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर ट्रेन पर्सनल, पेशेंट डिस्कम्फर्ट, स्टाफ फटीक एंड फ्लोइंग ऑफ कैथेटराइजेशन, लेबोरेटरी वर्कफ्लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है उसके क्या नाम है जो पीटी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे आप क्या नाम है जल्दी कोएगुलेशन वो क्या नाम है क्लॉटिंग अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है, वहाँ उसको आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। जहाँ एक पेशेंट पे आपको एक घंटा लगना था वहाँ पे उसी पेशेंट के ऊपर आपको दो ढाई घंटे लग रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका स्टाफ भी थक जाएगा कि यार कब ये पेशेंट एंड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में अगर आपने दिन के 5 केसेस शेड्यूल किए हैं कि हमने आज दिन में 5 केसेस करने हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है तो अगले पेशेंट्स का वो टाइम ज़ाया होगा और आपका एक आधा पेशेंट मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है फॉर पेशेंट्स फॉलोइंग पर्कुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और इन दोज हु हैव बीन ऑन एंटीकोएगुलेशन विद हेपरिन, manual compression can be safely performed once the activated clotting time ACT is less than 180 seconds or the activated partial thrombin clotting time is less than 50 seconds, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो पेशेंट जिनकी percutaneous coronary intervention हुई होती है, ठीक है, या फिर जिनको हमने anticoagulation यानी कि की होती है कि हमें होता है कि इनका ब्लड बहुत जल्दी क्लॉट हो जाता है, ठीक है, तो हमने उनको ड्यूरिंग प्रोसीजर थोड़ा सा heparin दिया होता है, ठीक है, तो उनका क्लॉटिंग टाइम हम दोबारा से मेजर करवाते हैं, अगर वो 50 सेकंड से कम हो तो हम इजीली मैनुअल कंप्रेशन के थ्रू ही उनको हीमोस्टेसिस अचीव कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सर। फिर उसके बाद वो कहता है कि आपने जब शीथ रिमूव करनी है ना आपने जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है अपनी स्किन की पंक्चर साइड के ऊपर, ठीक है, और इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि आप जो क्या नाम है आपकी जो शीथ है ना उसको खराब ना कर दो, ठीक है, या फिर क्या नाम है आपकी आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट ना बन जाए शीत के इर्द गिर्द वाली साइड पे, ठीक है। मैनुअल प्रेशर इज हेल्ड इज देन हेल्ड डायरेक्टली अबव द आर्टेरियोटमी। आर्टेरियोटमी क्या होती है? आर्टेरियोटमी जहाँ पे वर्ड आ जाए ना ऑटमी, ठीक है, इसका मतलब होता है टू क्रिएट एन ओपनिंग, ठीक है। एक्टमी का मतलब होता है टू रिमूव एनीथिंग, ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ कि नेफ्रेक्टमी मीन्स किडनी इज रिमूव, ठीक है, इसकी इसी तरह मैं कहूँ ग्लबेक्टमी, ठीक है, मीन्स आपका जो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव्ड है। हिस्टेरेक्टमी मींस फीमेल की यूट्रस रिमूव्ड है। जहाँ पे एक्टमी का वर्ड आ जाए इट मींस रिमूवल, जहाँ पे ऑटमी का वर्ड आ जाए इट मींस टू क्रिएट एन ओपनिंग के होल बना दिया, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ एसोफेजोटमी, ठीक है, मींस एसोफेगस को कट करके आपने बाहर की तरफ एक ओपनिंग निकाल दी, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आइलियोटमी मींस आइलियम को आपने कट करके उसका बाहर को एक ओपनिंग निकाल दी, ठीक है। अगर मैं कहूँ आइलियोस्टमी, ठीक है, ऑटमी नहीं ऑस्टमी OSTOMY, इट मींस टू क्रिएट अ न्यू पैसेज वे, ठीक है। आइलियोस्टमी अगर मैं कहूँगा इट मींस आइलियम को काट के आपने आगे उसको डायरेक्टली रेक्टम के साथ जोड़ दिया, बीच वाला पोर्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन का था उसको खत्म कर दिया उसका सर्कल बीच में से, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स हमेशा याद रखना, एक्टमी मींस टू कट ऑफ समथिंग, ऑटमी मींस टू क्रिएट एन ओपनिंग, एंड ऑस्टमी मींस टू क्रिएट पैसेज वे। इज इट क्लियर? यस यस सर। यस मलाइका, कैन यू रिपीट इट? सर आपने बताया एक्टमी जहां पे आएगा वर्ड इसका मतलब है कि कोई चीज हमने रिमूव कर दी है, ऑटमी मतलब टू क्रिएट एन ओपनिंग, एंड ऑस्टमी के हमने क्रिएट कर लिया पैसेज। गुड, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आपने मैन्युअली प्रेशर अप्लाई करना है अपनी आर्टेरियोटमी साइड में, मतलब यहां से आपने पंक्चर किया हुआ आर्टरी को, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली किस पॉइंट पे वो कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर सिफालड। सिफालड कहां से निकला वर्ड? सिफालो से। सिफालिक क्या होता है? आपका हेड वाली साइड, ठीक है, टू द स्किन पंक्चर साइड, ठीक है। जैसे क्रेनियम अगर बोलेंगे तो आपकी हेड वाली साइड, और कॉर्डल बोलेंगे तो फीट वाली साइड, ठीक है। इसी तरह
सिफेलेट बोलेंगे तो ऊपर वाली साइड, ठीक है, मतलब यानी कि आपका जहाँ पंक्चर साइट है उससे 1.5 सेंटीमीटर अबव जो एक पॉइंट है वहां पे आपने प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक हो गया। प्रेशर शुड बी हेल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स पर फ्रेंच साइज फॉर आर्टेरियल पंक्चर्स एंड 2 मिनट्स पर फ्रेंच साइज फॉर वेनस पंक्चर्स एंड कैन बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड ओवर दैट टाइम, ठीक है। वो कहता है जब आपने आर्टेरियल एक्सेस ली है, ठीक है, फेमोरल आर्टरी को पंक्चर किया है, तो आपका जो क्या नाम है फ्रेंच साइज होगा, ठीक है, शीथ का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या नाम है 3 मिनट्स पर शीथ साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 6 की शीथ यूज कर रहे हो यानी कि 6 फ्रेंच की, तो 6 × 3 = कितना होता है 18, मीन्स यू हैव टू पुट प्रेशर फॉर 18 मिनट्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स। उसके बाद वो कहता है अगर नेक्स्ट 5 मिनट्स में यानी कि 6 to 10 मिनट्स जो होंगे उनके अंदर आपने प्रेशर थोड़ा रिड्यूस करना है, मीन्स उसको आप ले अगर आप फुल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, हाथ से यानी कि आप फुल आपने जोर से दबा के रखा हुआ तो थोड़ा सा फिंगर्स को जेंटल कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो कह रहा है यानी कि 10 to 15 मिनट्स वाले जो 5 मिनट्स हैं उनके अंदर आप उसको और ज़्यादा कम करके 50% पे ले आएँ, और उससे अगले जो 3 to 4 मिनट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल आप लाइट सा प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये टेक्निक है आपका मैनुअल प्रेशर अप्लाई करने की कि फर्स्टली जो 5 मिनट्स है उसमें आपने फुली हाई प्रेशर अप्लाई करना है यूजिंग योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में यू हैव टू रिड्यूस द प्रेशर टू अबाउट 75%, उसके बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स में 50%, और नेक्स्ट जो टाइम आपके पास उसके अंदर 25%, एंड देन रिमूव योर हैंड। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है हेमाटोमा मॉनिटरिंग इन मैनुअल कंप्रेशन, ठीक है, आफ्टर 15 टू 20 मिनट ऑफ मैनुअल प्रेशर द ऑपरेटर हैंड इज रिमूव्ड स्लोली एंड द एरिया इंस्पेक्टेड फॉर अ हेमाटोमा और ब्लीडिंग, ठीक है। पेशेंट्स एट हाई रिस्क फॉर ग्रोइन हेमाटोमा, ठीक है, पेशेंट्स जिनमें हेमाटोमा बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं वो कौन से होते हैं? ओबीस पेशेंट्स, पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन, एल्डरली वुमेन, पेशेंट विद एओर्टिक डिजीजेस, पेशेंट हु हैव अंडरगॉन प्रीवियस आर्टेरियल पंक्चर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हीमोस्टैटिक पैड्स, अब ये हम आ गए हैं डिवाइसेस के ऊपर कि हम कौन कौन सी डिवाइस यूज कर सकते हैं फेमोस्टॉप के अलावा टू स्टॉप द ब्लीडिंग, ओके। सबसे पहले ये कहता है जी हीमोस्टैटिक पैड्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी स्टार ड्राई या फिर सेवेस्टिक या चीटोसील और स्मॉल पीसेज ऑफ गॉज और अदर मटीरियल दैट आर इम्प्रेगनेटेड विद अ प्रोकोएगुलेंट मिक्सचर दैट कॉजेस लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड पोटेंशिएट्स क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। ये गॉज पीसेज होते हैं जिसके अंदर कोलेजन जो है उसका मिक्सचर जो है उसको अप्लाई किया गया होता है, जब हम इसको अपनी पंक्चर साइट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आपकी क्या करता है, एक्टिवेशन कर देता है, वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है और आपकी क्लॉट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इट इज यूज्ड इन कंजक्शन विद मैनुअल कंप्रेशन, द पैच इज अप्लाइड topically over the puncture site after sheath removal and remotely activates the coagulation from the skin surface, ठीक है। इसके benefits वो क्या था, क्या क्या है, decrease time to hemostasis, ठीक है, अगर आप manually सिर्फ हाथ से ही hemostasis achieve करना चाह रहे हैं तो उससे ज़्यादा time लगेगा, जब आप ये gauze piece apply करेंगे तो आपका time reduce हो जाएगा। reduce time to ambulation, जितनी जल्दी आपका hemostasis achieve हो जाएगा, bleeding बंद हो जाएगी, उतनी जल्दी आप patient को चलने फिरने का कह सकते हैं कि आप चल फिर सकते हैं। नो इंसर्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू द बॉडी, आपको कोई चीज़ इंजेक्ट नहीं करनी पड़ रही, आपको कोई डिवाइस नहीं यूज करनी पड़ रही, ठीक है। इमीडिएट रिपीट आर्टेरियल पंक्चर इफ नेसेसरी, ठीक है, इसके जब आप इसके थ्रू क्या नाम है आर्टरी में हेमोस्टेसिस अचीव करते हो तो आपको अगर थोड़े टाइम बाद ही आर्टेरियल पंक्चर करना पड़ा तो आप इजीली पंक्चर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोई डिवाइस नहीं यूज की गई थी, कोई टांका नहीं लगाया गया था, कोई और नहीं किया गया था। शॉर्टन हॉस्पिटलाइजेशन, ऑब्वियसली बात है, जितनी जल्दी पेशेंट को ठीक हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो उतनी जल्दी उसको हॉस्पिटल से क्या नाम है आउट कर दिया जाएगा। लो इंसिडेंस ऑफ मेजर वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, आपके पास कोई वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती इतनी ज़्यादा। अब वो आगे कह रहा है कि डिवाइस टाइप्स ऑफ क्लोजर डिवाइसेस, कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं फॉर क्लोजर हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले वो क्या बता रहा है आपको, वेसोसील कोलेजन, ठीक है, वेसोसील कोलेजन इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ स्पेशल डिलीवरी मैकेनिज्म टू द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी। द कोलेजन अट्रैक्ट्स प्लेटलेट्स, ठीक है, अब जो वेसोसील के अंदर कोलेजन होता है ना, जब हम उसको एंटर करवाते हैं आर्टरी के अंदर तो वो क्या करता है, कोलेजन को अट्रैक्ट, कोलेजन जो होता है वो प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और वहाँ पे आके जहाँ पे आर्टरी पंक्चर हुई होती है वहाँ पे आके एक सील सी बना देता है, ठीक है। दिस कोलेजन रीअब्सॉर्ब्स ओवर ए 6 month पीरियड, ठीक है, और ये जो कोलेजन वहाँ पे मैश बना रहा होता है ये 6 months के बाद ब्लड के अंदर वैसे ही अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एनजीओ सील एक डिवाइस यूज की जाती है, ठीक है, ये मैकेनिकल सील होती है जो कि 8 to 12 हफ्तों के दरमियान जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी से। पर क्लोज इज अ सूचर क्लोजर डिवाइस, ठीक है, जैसे कि हम टांके वगैरह या फिर क्या नाम है कहीं पे कोई
चोट वगैरह लग गई, कोई ब्रूज कट लग गया, क्योंकि जिस तरह हम टांके लगाते हैं ना उसी तरह ये वेसल्स को टांका लगाने के लिए एक डिवाइस यूज की जाती है। ठीक है, इसके अंदर पतला सा एक बहुत ही थिन ना एक थ्रेड सा होता है, ठीक है, जिससे आप वेसल को टांका लगा देते हो। ठीक है, तो कह रहा है दैट मे बी पोजीशन एंड टाइड यूजिंग ए गाइड वायर एक्सेस, सेवरल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय द नीडल एंड सूचर द आर्टरी। ठीक है, मरीन पॉलीमर पैच, स्मॉल पैच सील्स दैट टिश्यू ट्रैक्ट विद ए मरीन पॉलीमर। ठीक है, एक मरीन पॉलीमर मैंने वैसे कभी देखा नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ परक्लोज देखा हुआ है और ये जो डी स्टैट के जो गॉस पीस है ना ये देखे हुए। उसके बाद डू इट एडवाइस दैट इन्फ्लेट्स एट द पंक्चर साइट एंड डिपॉजिट्स कोलेजन मटेरियल टू एक्सीलरेट क्लॉटिंग। ठीक है, फिर एक डू इट डिवाइस होती है जो कि वही फेमोस्टैट की तरह का काम करती है। ठीक है, वहां पे आप उसको रखते हैं, इन्फ्लेट करती है पंक्चर साइट के ऊपर, ठीक है, वहां कोलेजन को डिपॉजिट कर देती है। उसके बाद कहता है डी स्टैट ट्रे, डी स्टैट dry hemostatic bandage is a non-woven gauze patch that is coated with thrombin that potentiates the coagulation by directly converting fibrinogen to fibrin। ठीक है, जैसे ऊपर वो क्या नाम है हमने ये वाला पढ़ा था hemostatic pads, ठीक है, इसी तरह एक D-stat dry जो उसके क्या नाम है कहते हैं क्या था यार उसे about materials different होते हैं। ठीक है, उसके अंदर collagen की coating होती है, इसके अंदर किसकी coating होती है thrombin की। ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन एडजुवेंट इन हेमोस्टेसिस पेशेंट विद अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स यूटिलाइजिंग द मैनुअल कंप्रेशन एंड इज इंडिकेटेड टू रिड्यूस द टाइम फॉर 4 टू 6 फ्रेंच साइज। हाँ, इसके अंदर एक ये भी लिमिटेशन है कि ये 4 टू 6 फ्रेंच की शीथ के साथ यूज की जाती है, इससे ज्यादा बड़ी शीथ अगर आप यूज करें लाइक 7, 8, 9, ठीक है, तो उनके साथ आप ये डी स्टैट ड्राई नहीं यूज कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. वो कहता है कि शीथ को आपने रिमूव कैसे करना है। ठीक है, place your left hand fingers of the femoral artery, ठीक है, apply a gentle pressure and remove the sheath from the leg. During pressure application, the pedal pulses are checked every 2 to 3 minutes, ठीक है। अब वो मुझे कोई बता सकता है कि हम pedal pulses क्यों चेक करते हैं? किसी को ये पता कि pedal artery होती किधर है? क्यों भाई माही? Yes sir. आपको पता है कि pedal artery कहाँ होती है? Sir, foot में ही होगी। वैसे मुझे याद नहीं है। सही फुट, फुट में ही होती है, ठीक है, तो उसको हम चेक क्यों करते हैं हर 2 से 3 मिनट के बाद? क्या वजह है इसकी? देखो, जब आप फेमोरल आर्टरी पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या नाम है वहां पे ब्लड को स्टॉप कर रहे हो आपके लोअर लिम के अंदर। ठीक है, अगर आप राइट फेमोरल आर्टरी कर रहे हो तो मीन्स यू आर स्टॉपिंग द ब्लड सप्लाई टू द लोअर लेग पोर्शन। ठीक है, तो पीडल पल्सेस चेक करते हो। ठीक है, जिस टाइम पे पीडल पल्सेस आना बंद हो जाती है इट मीन्स कि ब्लड फ्लो बिल्कुल स्टॉप हो चुका होगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या नाम है ब्लीडिंग के चांसेस कम है। ठीक है, यू कैन रिमूव योर हैंड। समझ आइए कि हम पीडल पल्सेस क्यों चेक करते हैं? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। देखो, आप फेमोरल आर्टरी पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मींस आप ब्लड सप्लाई के काफी पार्ट को जो है आपकी लेग के अंदर उसको स्टॉप कर रहे हो। ठीक है, यहां तक समझ आई? यस सर। ठीक है, अब आप पीडल पल्सेस चेक करके ये चीज नोट करते हो कि यार कि इस टाइम आपके फुट के अंदर कितनी ब्लड सप्लाई आ रही है। ठीक है, जिस टाइम आपको पीडल पल्सेस बिल्कुल फीबल होके फील होती है ना कि यार बिल्कुल एंड पे हो चुकी है, ब्लड सप्लाई एंड पे है बिल्कुल, ठीक है, इट मींस कि आपका काफी हद तक प्रेशर अच्छा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलता रहता है कि यार प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है और क्या आइदर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, ये सारा काम डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उनको इस बात का ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है स्मॉल स्टीरियल ड्रेसिंग इज प्रेफर्ड टू ए लार्ज टेप कवरिंग। ठीक है, एक स्मॉल सी वो कहता है थोड़ी सी स्टीरियल ड्रेसिंग यानी कि गॉस पीस के साथ, ठीक है, वो लार्ज टेप कवरिंग विद डॉक्टर टेप उससे बेटर होती है। उसके बाद कहता है पोस्ट कैथेटराइजेशन पेशेंट इंस्ट्रक्शन, आपने पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है? बेडस फॉर 2 to 6 hours, ठीक है, विद स्मॉल डायमीटर कैथेटर्स लेस देन 5 फ्रेंच शॉर्टर टाइम्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि लेस देन 5 फ्रेंच की आपने क्या नाम है कैथेटर यूज किए हुए, तो उसके लिए आप पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि 2 घंटे तक रेस्ट करके यू कैन वॉक। होल्ड द ग्रोइन साइड व्हाइल कफिंग, ठीक है, हाँ, आपकी ग्रोइन साइड पर मैंने कहा है ना छोटा सा कट लगाते हैं, तो उस छोटे से कट को अक्सर क्या नाम है बंद करने के लिए एक आधा टांका लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब आपने कफिंग करनी है तो अपनी ग्रोइन साइड जहाँ पे आपका टांका लगा वहाँ पे हाथ रखना है। स्टे इन बेड, ड्रिंक फ्लूइड्स, कॉल ए नर्स फॉर असिस्टेंस इफ देयर इज ब्लीडिंग, लेग नंबनेस और पेन। ठीक है, जब आपको क्या नाम है कोई ब्लीडिंग फील हो अपने ग्रोइन रीजन में से
या लेग नम फील हो या फिर कोई पेन हो तो अपनी नर्स को कॉल करें ड्यूरिंग योर रेस्ट टाइम। उसके बाद कहता है कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कि कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू कहता है जी मोस्ट कॉमन हेमरेज एंड लोकल हेमाटोमा फॉर्मेशन, रेट्रोपेरिटोनियल हेमाटोमा, सीडियोएनरिज्म, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, स्ट्रोक, सेप्सिस, एयर एम्बोलाइजेशन एंड रीनल इनसफिशिएंसी। ये सब चीज़ें आपकी जो आर्टेरियल एसेस है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग योर प्रोसीजर। उसके बाद वो कहता है रिएक्शंस थ्रू कंट्रास्ट, क्योंकि कंट्रास्ट की वजह से रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, शेकिंग, फ्लशिंग, चिल्स, बैक चेस्ट और फ्लैंक पेन एंड वेजोमोटर कलैप्स। ठीक है, ये पांच रिएक्शंस हैं जो आपके कंट्रास्ट मीडिया की एलर्जी की वजह से हो सकते हैं। ये मैंने एंड पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ, आई थिंक ये वो जो क्या कहते हैं जो डोइट से ऊपर बैंड था ना, ये उस बैंडेज का है। ठीक है, इसी तरह परक्लोज, एंजियोसील, इन सब के आपको ना यूट्यूब के ऊपर वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं एनिमेशन छोटी छोटी एक डेढ़ दो मिनटों की। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो यू कैन वॉच देम ऑन यूट्यूब। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? आपने पढ़ाया नादिर, पढ़ो इसको। नादिर बेटे पढ़े इसको, वो क्या बोल रहा है नादिर? सर स्लाइड शो हो रही है। क्यों? सर हो रही है शो। हेलो मिस, नादिर बेटे आपका वेट हो रहा है, क्या आप पढ़ें इसको और बताएं कि क्या इशू है। नादिर जी, बेटे जी इसको पढ़े ना, मुझे बताएं सर स्लाइड नहीं शो हो रही। सबको तो शो हो रही है सर, स्लाइड नहीं शो हो रही सर, स्टार्टेड हो रही है सर, स्क्रीन शेयरिंग बेटे आपको लेक्चर भेजूंगा, अगर कोई मसला हुआ यूट्यूब पे इसका देखना ट्यूटोरियल, अगर मसला हुआ फिर मुझसे पूछना, देन आई विल एलैबोरेट यू अगेन। ठीक है, माहीन बाजी आपको समझ आ गई है विजोसील की? ओके ओके सर। बाजी आपने फिर बताना है नेक्स्ट लेक्चर में इसको ट्यूटोरियल देख के। ठीक है, ओके सर। ओके हो गया, और किसी बच्चे का कोई सवाल? अच्छा जी, कितने स्टूडेंट्स हैं? 64। ओके ओके ओके, विक्रम
अफजाल ऐसे है क्लास में? आमसा सर प्रेसिडेंट? ओके लिंता है क्लास में? निमरान और रीन उमेर अहमद है क्लास में? वानिया प्रेजेंट सर। ओके जैनब अंसर अच्छा जी असाइनमेंट तमाम आपके लिए ये है कि आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है। सबसे पहले तो आपने ड्रॉ करनी है कोरोनरी आर्टरीज की एनाटॉमी, ठीक है, हार्ट के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि कोरोनरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच किस प्रोजेक्शन में, मतलब अगर हम क्या नाम है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि राइट इंटीरियर ओब्लिक आर ए ओ 30 degrees विद 10 डिग्रीज क्रेनियल एंगुलेशन, इसके अंदर मुझे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच नजर आती है, ठीक है। इस तरह करके आपने प्रोजेक्शंस बतानी है कि किस प्रोजेक्शन के अंदर आपको कौन सी आर्टरी नजर आती है, कौन सी ब्रांच नजर आती है राइट कोरोनरी आर्टरी की और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। और इनकी डायग्राम्स भी बनानी है पूरी पूरी, हार्ट के ऊपर ड्रॉ करनी है कि राइट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स क्या है हार्ट के ऊपर और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स क्या है हार्ट के ऊपर। इज इट क्लियर? ये मैं मेल भी कर देता हूँ अभी, ठीक है, समझ आ गई? ना समझ आए तो यू हैव माहीन बाजी, माहीन बाजी आपको बता देंगे कि मैंने क्या बोला, ठीक है माहीन? ओके सर। आज सारा नहीं बोली, खैर है तबीयत सही है? सारा बाजी क्लास से दौड़ गई है, डेट 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 मैं भी आपको मेल करता हूँ, ठीक है, कि कितने दिन बाद आई वांट इट। ओके सॉरी सर मैं क्लास में ही हूँ। तो बाजी बोली नहीं मैंने कहा सर वो माइक ऑन करना था वो बंद ही हो गई, वो एप्लीकेशन ही ओपन जो थी वो बंद हो गई। मैंने कहा अच्छा मैं आपकी क्या नाम है सुरीली आवाज नहीं सुनी तो हमारा लेक्चर कैसे कंप्लीट हो सकता है। असाइनमेंट का पता लग गया आपको? यस सर। ओके ठीक है बच्चों फिर। ओके मैं आप सब कुछ ये हैंड रिटन ये सॉफ्ट जो भी है मैं आपको सब बता देता हूं। वैसे हैंड रिटन चाहिए, आई नीड इट इन हैंड रिटन, यू हैव टू ड्रॉ इट, यू हैव टू राइट। ओके और जहां तक रही कॉपी पेस्ट की बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग जाता है, इस मामले में बहुत तेज अल्लाह का शुक्र है। तो डोंट ट्राई टू कॉपी पेस्ट इट, वैसे वो तो प्रोजेक्शंस तो ऑलमोस्ट सेम ही होनी, ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट का पता चल जाता होता है। ओके ठीक है, यस सर। ओके फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।